जानू जरा मेरे पाँव ही दबा दो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया नबील? मैं मत भूलो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ये हादसा मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। वैसे कैसी बीवी हो तो शौहर के दर्द का जरा भी एहसास नहीं है तुम्हें। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ नबील, मैं और माजी सुबह से घर के कामों में लगे हुए, मजाल है कि तुमने मदद की हो। अच्छा अब सो जाओ आराम से नबील, और जाओ ये ब्लाइंड बंद करो, एसी का रिमोट उठाओ, एसी बंद करो। बड़ी नाफरमान औरत हो तुम, तुम्हारा क्या जाता था यार, थोड़ा सा पांव दबा देती। अयो इधर आओ। मैं नहीं आ रही नबील, तुम भी आकर सो जाओ बस जल्दी से। चलो बाहर, बाहर कोई लड़की है यार? नबील तुम्हें तो हर वक्त बस लड़कियां ही नजर आती हैं। चांदी बड़ी हो गई है यार, शर्म करो, छोड़ दो ये हरकतें। ओ मैं सच कह रहा हूँ जानू, मुझे लगता कुछ चुछ 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 है ये। ये क्या प्राइम मर्दों को खान में देख रही हो? मैं जी तो पाकिस्तान गई थी ना, तो फहद मुस्तफा ने मोटरसाइकिल में बिठा के मुझे चक्कर दिलाया था सारा तो। और उसके बाद तुमने फहद मुस्तफा से रोमांस शुरू कर दिया है? हाँ, नहीं 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 फरकान, वो तो खुद ही मुझ पे मरा मिटा जा रहा था। आपने मुझे क्यों उठाया उस वक्त बताएं जरा। अरे हाँ मोमो, खिड़की पे कोई है। खिड़की पर तो पर्दे हैं। अरे खिड़की के बाहर कोई है मोमो। कौन है? अरे भाई मुझे क्या पता, आधी रात को खिड़की के बाहर कौन है? तो जाएं जाकर देखे ना सलमान। महमूद। महमूद है खिड़की के बाहर? अरे महमूद तो मैं हूँ भाई। तो आप खिड़की के बाहर क्या कर रहे हैं? अरे मोमो मैं यहाँ हूँ, खिड़की के बाहर कोई और है। तो कौन है मुझे क्या पता। हमने खिड़की के बाहर ना एक लड़की देखी है, वो मुझे क्यों यूं भी कर रही थी। मोमो साहब मैंने भी देखा था, मुझे तो लगता है वो कोई चुड़ैल है। होश होश, अब हमारे घर दो दो चुड़ैले होंगे शफी। अरे दूसरी चुड़ैल कौन है भाई? ये बैठी है ना। अरे ये तो खूबसूरत है। हाँ ये खूबसूरत सी चुड़ैल। ओ माँ जी ये तो आपकी बहू है यार, वो जो खिड़की में थी ना वो यकीनन कोई चुड़ैल थी यार। यार नबील जरा जाके सही तरह देखो तो सही, हो सकता है कोई लड़की हो खड़ी हुई। वो जानू तुम कैसे अपने शौहर अकलौते शौहर को चुड़ैल के पास भेज रही हो? तुमने सुना नहीं है चुड़ैल जो है ना वो खूबसूरत और पुरकशिश मर्दों पर आशिक हो जाती है और अपने साथ ले जाती है।